आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्ट यूसेज ऑफ कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है, वो तो आपको मालूम ही है, और हम सीख रहे हैं कि कैसे हम हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं उनको एक सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ करें, ताकि हमारे जो सिली एरर्स हैं, मैं एक जो डिफ़िकल्ट एरर्स हैं उनकी बात नहीं करी, सिली एरर्स को कैसे हम आसानी से अवॉइड कर सकें। तो 5 वीडियो ऑलरेडी हमारी जो ये सीरीज़ है करेक्ट यूसेज वाली ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें आपने सीख लिया होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनको किस तरीके से सही तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ करें। तो उसी को आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल हम जान लेते हैं कि हमारा जो एक्सेप्ट है, वर्ड एक्सेप्ट, ये क्या है? ये है प्रपोजिशन, राइट? इसको हम बहुत ही कॉमनली इंटरचेंजेबली यूज़ करने लग जाते हैं अनलेस के साथ में। अनलेस क्या है? कंजंक्शन है। तो ये आपको नहीं करना है। एक्सेप्ट कब यूज़ होता है? एक्सेप्ट मान लीजिए जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँगी एक्सेप्ट ट्यूसडे, एक्सेप्ट, ठीक है, ये होगा। क्या किया मैंने? एक चीज़ को पिक किया इसके अलावा। लेकिन जब मैं बोलूँ कि अनलेस, तो किस तरीके से मैं कंडीशन डाल रही हूँ कि अनलेस अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो नहीं करूँगी, अनलेस मेरी मंडे को वीडियो नहीं आई तो मैं ट्यूसडे को नहीं डालूंगी। तो अनलेस होता है एक कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर देना, लेकिन एक्सेप्ट क्या होता है? आप पिकअप कर रहे हो कि इसके अलावा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट कम अनलेस यू कॉल मी। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग नहीं आएंगे अनलेस, ये क्या कंडीशन हो गई है, अगर तुमने कॉल किया तो हम आएंगे, नहीं किया तो हम नहीं आएंगे। तो एक्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। क्यों? कारण ये है कि एक्सेप्ट क्या है कि ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही, ये कंडीशन को हम नहीं डाल पा रहे। एक्सेप्ट इज़ रॉन्ग वर्ड टू बी यूज्ड हियर। तो ये बहुत ही कॉमनली हम एरर जो करते हैं उसको अवॉइड कर लेंगे बहुत ही ईजीली। नो वन इज़ गिवन एडमिशन अनलेस दे पास द टेस्ट। किसी को एडमिशन नहीं दिया गया अनलेस क्या, उसने पास ना किया हो एग्ज़ाम को। तो एक्सेप्ट ना ही होगा यहाँ पे आएगा अनलेस, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है कि इफ़ यू पास द टेस्ट यू विल बी गिवन एडमिशन, इफ़ यू कॉल मी आई विल कम। तो हमारी जो कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट, हम उसको कंडीशन अप्लाई करते हैं तभी हम जो दूसरा काम है वो करेंगे, है ना। यहाँ पे पास करा टेस्ट, यहाँ पे कॉल करा, तो ही हम काम करेंगे। तो इसीलिए आप एक्सेप्ट और अनलेस को इंटरचेंजेबली यूज़ ना करें। अब बात करेंगे अवॉइड सिमिलरली, जैसे एक्सेप्ट और अनलेस का था, सिमिलरली विदाउट भी क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसको भी बहुत ही कॉमनली हम अनलेस, हम जो हमारा कंजंक्शन है उसके जगह पे यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, अगेन आपको ये पता चल, अभी तो बता ही दिया कि कैसे, अगर हमारी जो कंडीशन है कि इफ़ यू डू दिस आई विल डू दैट, तो जो हमारी कंडीशन है अनलेस यू अपोलोजाइज यू विल बी पनिश्ड। तो अगर तुमने अपोलोजाइज कर दिया तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अगर तुमने नहीं किया तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। तो विदाउट यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे आएगा कंडीशन वाला अनलेस। आई शैल गो नाउ अनलेस शी स्टॉप्स मी। मैं चली जाऊंगी अभी अनलेस जब तक वो मुझे रोके ना, अगर वो मुझे रोकेगी तो मैं रुक जाऊंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी जो अनलेस वाला जो कंजंक्शन है वो आपको यूज़ करना है, ना कि यहाँ पे यूज़ करना है प्रेपोजिशन विदाउट। रूल नंबर 3, जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, लाइक की। तो लाइक एक ऐसा वर्ड है जो बस प्रोनाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच, ये नहीं, एज प्रोनाउन यूज़ नहीं किया जा सकता। अदर देन दैट ये सारे पार्ट ऑफ स्पीचेस, एज ऑल पार्ट ऑफ स्पीचेस ये यूज़ किया जा सकता है। ये वर्ब हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, ये प्रेपोजिशन हो सकता है, ये नाउन हो सकता है, ये कंजंक्शन भी हो सकता है फॉर दैट मैटर।
तो ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच में यूज, एज ऑल पार्ट ऑफ स्पीचेस इट कैन बी यूज्ड, लेकिन हम जनरली एज, जब हमको सिर्फ एज जो है वहाँ पे, जब सेंटेंस में एज यूज़ करना एज कंजंक्शन, उस टाइम पे हम लाइक को यूज़ नहीं करेंगे. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम कंजंक्शन एज कंजंक्शन हम लाइक को यूज़ करते हैं, तो उसका कुछ चार तरीके ही हैं जब हम इसको यूज़ कर सकते हैं. उसको मैं एलाबोरेट करूँगी एक सेपरेट वीडियो में कि कब हम लाइक को एज कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये बात अभी के लिए ध्यान में रखो कि जब हमको एज यूज़ करना है उस वक्त हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके चार कंडीशंस होती हैं जब हम लाइक को एज कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग को जब ये कंपैरिजन करना है उस वक्त हम एज को ही यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही स्पीक्स एज हिज फादर डज. वो कैसे बात करता है? जैसे उसके फादर बात करता है. तो यहाँ पे एज कर बता, एज को यूज़ करना है, लाइक को यूज़ नहीं करना है. एज व्हाट? कंजंक्शन. मैंने आपको बताया ना, कंजंक्शन जब पर्टिकुलरली बात हो रही है तो लाइक को कुछ स्पेसिफिक वे में ही हम एज कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं. वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि कब कब हम लाइक को हम एज कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब हम यहाँ पे एज को यूज़ करेंगे एज कंजंक्शन, तो लाइक वहाँ पे नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, ये यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक जो है हम एज प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, ना कि कंजंक्शन. कंजंक्शन भी होगा लाइक, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, चार तरीके होते हैं, चार कंडीशंस होती, उसी वक्त हम ये यूज़ करेंगे. तो इसको एक सेपरेट वीडियो में ही मैं कवर कर लेती हूँ. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि एज की जगह पे लाइक को यूज़ नहीं करना एज कंजंक्शन. ठीक है, डायरेक्टली भी एडवर्ब है, डायरेक्टली एक एडवर्ब है, उसको भी आपको यूज़ नहीं करना है एज कंजंक्शन इंस्टेड ऑफ एज सून एज. तो जैसे कि अगर हमको बोलना है कि जो क्लास है, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई, जो टीचर थी उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया, तो एज सून एज, जैसे ही जब हम बोलना चाहेंगे, तो उस वक्त हमको एज सून एज का यूज़ करना है, ना कि डायरेक्टली का. राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. कंजंक्शन दैट जो है वो कभी कभी हम ओमिट कर देते हैं या फिर अंडरस्टूड कर लेते हैं एक सेंटेंस में. किस तरीके से हम अंडरस्टूड करते हैं या ओमिट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं. यू मस्ट नो दैट ऑल्दो यू आर नॉट वर्किंग एंड अर्निंग मनी, स्टिल एवरीवन इज कंसिडरिंग यू शुड बी एनकरेज्ड. क्या मतलब हुआ इसका? यू मस्ट नो दैट, तुमको ये पता होना चाहिए कि जब ऑल्दो यू आर नॉट वर्किंग, जबकि तुम काम नहीं कर रहे हो, एंड अर्निंग मनी, ना ही तुम काम कर रहे हो और मनी पैसा भी कमा नहीं रहे हो, स्टिल फिर भी हर कोई कंसिडर कर रहा है, हर कोई ये हर कोई इस चीज़ को मान रहा है कि यहाँ पे जो दैट आएगा कि, क्योंकि बार बार अगर हम की करते रहेंगे तो बहुत ही जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन है बहुत ही ऑड हो जाएगा. ये बात ध्यान में रखना, ये एक ऐसा रूल है, ये आपका सेंटेंस गलत नहीं कर रहा है. अगर आप यहाँ पे दैट को यूज़ कर लोगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा. इट इज़ ओनली टू रिफाइन योर लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है उसको और अच्छा, एक लेवल उसका अच्छा करने के लिए हम ये जो रूल है इसको यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पे दैट को यूज़ भी कर लेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही ही रहेगा. तो बार बार अवॉइड करेंगे, अंडरस्टूड मान लेंगे. अंडरस्टूड का मतलब उसको मान लिया जाएगा कि यहाँ पे हमने की ही बोला था. ठीक है, अब बात करेंगे रूल नंबर 6 की. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग कंजंक्शन यूज इन प्रेसीडिंग क्लॉज, समटाइम हम क्या करते हैं, जो सब्सिक्वेंट क्लॉज में दैट यूज़ कर लेते हैं. अभी तक हमने क्या किया था? हमने किया था कि हम रिपीट नहीं कर रहे थे किसको? दैट को. लेकिन अगर हम हमारे जो प्रिसीडिंग क्लॉज है, एक सेंटेंस है, उसमें पहले के जो क्लॉज में हमने कुछ कंजंक्शन ऐसा यूज़ कर लिया जिसको हमको दोबारा यूज़ करना पड़ रहा है, तो बार बार रिपीट करने के बजाय हम जो नेक्स्ट क्लॉज आएगा उसमें दैट को यूज़ कर लेंगे. क्या होगा उससे? आपका प्रिसीडिंग
क्लॉज का जो कंजंक्शन है वो रिपीट नहीं होगा, राइट? आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू नॉट स्पीक ऑफ देम, इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट एंड नॉट दैट दे आर लाइटली एस्टीम्ड बाय मी. अगर मैं उनके बारे में नहीं बात करती हूँ, इट इज़ बिकॉज ये, इसका कारण क्या है कि वो मेरे सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, और ना कि इसीलिए. यहाँ पे बिकॉज जो है उसको रिपीट ना करने के बजाय हमने क्या दैट को यूज़ कर लिया, नॉट बिकॉज दे आर लाइटली एस्टीम्ड के बजाय हमने क्या किया, नॉट दैट दे आर लाइटली एस्टीम्ड बाय मी. मतलब ना, मैं उनके बारे में इसलिए बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, ना कि इसीलिए क्योंकि मैं उनकी इज्जत कम करती हूँ. तो बिकॉज के जगह पे हम दैट को यूज़ करेंगे, सो दैट हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है अगेन रिफाइन हो जाएगा. जब हम ऐसे राइटिंग करेंगे आगे जाके, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये जो इस तरीके के जो रूल्स हैं ना, ये आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ करने को मिलेंगे, राइट? अगेन, जैसे मैंने रूल नंबर 5 बताया था, वैसे ही ये भी क्या है, अगर आप यहाँ पे बिकॉज यूज़ कर लेंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से दैट का इस्तेमाल करेंगे विदाउट रिपीटेशन ऑफ बिकॉज, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन रिफाइन हो जाएगा. क्लियर? रूल नंबर 7, स्केयर्सली, हमारा जो एडवर्ब है स्केयर्सली, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था ना कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्ब को. जो ly, जिसका एंडिंग होता है, जिसका सफिक्स में ly होता है, ज़्यादातर वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में अकाउंट होते हैं, वो एडवर्ब में. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी रूल बता के रखा है ना. तो स्केयर्सली का मतलब क्या होगा कि हार्डली, यानी कुछ हुआ ही नहीं था उससे पहले ही, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉट. तो इसके बाद में हम वेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बाद हम वेन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा जो कंजंक्शन है देन उसको यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्केयर्सली हैड ही गॉन, कि वो बस वहाँ से गया भी नहीं था, जब वेन अ स्ट्रेंजर केम ऑन द डोर. तो क्योंकि स्केयर्सली का मतलब क्या, जबकि कुछ हुआ है, वो पर्सन वहाँ से गया ही नहीं था, अभी ऑलमोस्ट जस्ट निकला ही था, जब एक स्ट्रेंजर गेट पे आ गया. तो यहाँ पे हमारा जो कंजंक्शन है दैट, वो नहीं आपको यूज़ कर लेना है. रूल नंबर 8, जब हम बात करेंगे नो सूनर, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, एक छोटे से टाइम स्पैन की बात हो रही है, उसके बाद में देन आएगा कंजंक्शन. कौन सा यूज़ करेंगे हम, देन को यूज़ करेंगे, ना कि कंजंक्शन बट को यूज़ करेंगे. है तो दोनों ही कंजंक्शन, लेकिन देन को यूज़ किया जाएगा नो सूनर के बाद. फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड शी रिटर्न्ड देन शी वेंट बैक. नो सूनर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो उसको आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए वो आई थी, एंड शी रिटर्न्ड देन आएगा, देन She went back. तो यहाँ पे but नहीं आएगा, right? जो हम phrase अगर हम use करें seldom और ever, ये previous video में भी मैंने आपको बताया था कि seldom और ever wrong phrase है, correct phrase होता है phrase seldom और never. क्योंकि seldom और ever का मतलब आप अगर देखोगे तो seldom मतलब कभी कभी और कभी, कोई सेंस ही नहीं बनता है. कभी कभी और कभी का कोई सेंस ही बनता नहीं है. सेल्डम मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं. तो कभी कभी या कभी नहीं, तो ये हमारा जो फ्रेज है वो करेक्ट है. सेल्डम एवर रॉन्ग फ्रेज है, ध्यान में रखना. दिस शुगर इज मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड इज सेल्डम और नेवर यूज्ड इन दिस कंट्री. ये जो शुगर है ये एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई है, कभी कभी या कभी नहीं यूज़ करी जाती है इस कंट्री में. तो ये फ्रेज आप ध्यान में रखना, प्रीवियस वीडियो में भी आपको सिमिलर मैंने आपको बताया था. नाउ लेट्स कंपेयर फ्यू सेंटेंसेस. अगर मैं कहूँ ही इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन हर, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन हम इसको बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ही इज़ एज गुड एज, वो उसके जैसा ही है, अगर बेटर नहीं है उससे. लेकिन इसका बेस्ट तरीका होगा
क्या कैसे लिखेंगे हम, ही इज़ एज गुड एज हर, उसके जैसा ही है इफ़ नॉट बेटर। सारे के सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन वी प्रिफर टू राइट लाइक थर्ड सेंटेंस, सेकेंड इज स्टिल बेटर, अवॉइड राइटिंग ये पहला वाला सेंटेंस जो है इस तरीके से लिखना अवॉइड करेंगे हम लोग। जब हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, पहली बात कंजंक्शंस क्या होते हैं वो आपको मालूम ही है, जो दो स्टेटमेंट्स को, दो जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला है। लेकिन कोरिलेटिव क्या हुआ, कोरिलेटिव वो कंजंक्शंस होते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स को आपको एक उसी सेंटेंस में यूज़ करना होता है। इसके लिए आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि जब आप आइदर के बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होगा वही पार्ट ऑफ स्पीच और के बाद में भी यूज़ होना चाहिए, यानी कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होगा दोनों कंजंक्शंस के बाद में। फॉर एग्जाम्पल शी नॉट ओनली लॉस्ट हर करेज बट ऑल्सो हर होप्स। शी नॉट ओनली के बाद में क्या आया, लॉस्ट आया, जो कि एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद में क्या आ गया, प्रोनाउन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। हमको किस तरीके से यूज़ करना है, शी लॉस्ट नॉट ओनली हर करेज बट ऑल्सो हर होप्स, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है दोनों के बाद में प्रोनाउन है, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच आप यहाँ यूज़ करेंगे वही पार्ट ऑफ स्पीच आपको दूसरे कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ में यूज़ कर लेना है। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइदर के बाद में नॉर आता है और नहीं आता है। अगेन आपने अभी देखा क्यों, क्योंकि नाइदर और नॉर क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अभी आपने वो पॉइंट में देखा, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, पर और क्यों नहीं आता। पॉइंट यहाँ पे यह है, कोरिलेटिव कंजंक्शन तो है वो ठीक है, लेकिन और क्यों नहीं आता है। तो नाइदर के बारे में हम जब बात करेंगे, उसके पास ना तो ये था, फॉर एग्जाम्पल ना तो उसके पास रेड कलर था ना ही उसके पास ब्लू कलर था, राइट, ना तो रेड था ना तो ब्लू था। यहाँ पे इसीलिए नाइदर अगर आ गया तो हम इस तरीके से बात करेंगे, लेकिन अगर और डाल देंगे ना बीच में तो क्या हम कर रहे हैं, और अगर आ गया तो हम यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं बना सकते इसको नाइदर के साथ में, क्योंकि उसके पास अगर ये नहीं था और ये नहीं था, नहीं बनता है, ना तो ये था और ना तो ये था। इस तरीके से हमको लिखना है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही नाइदर हैड फूड, उसके पास ना तो खाना था ना एक घुट पानी था, तो इस तरीके से यूज़ करना है और यहाँ पे यूज़ नहीं करे जाना है। सो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। Till then, take care of yourself and bye-bye.